What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to YFL. Let's make some delicious khao sway. तो बर्मीज खाउसवे एक बर्मीज सूपी डिश है जिसमें नूडल्स पड़ते हैं और बहुत सारे अलग अलग अकम्पनीमेंट्स पड़ते हैं, बहुत ही डिलिशियस होती है। हमारे इंडिया में इसको बनाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, इनफैक्ट सूरत में इसे खाउसा कहा जाता है और कई सारे 5-star होटल्स के बुफे में आपको ये रेसिपी मिलेगी। आज मैं आपको मेरे तरीके से एकदम सिंपल इन्ग्रीडियंट्स के साथ, मैं जैसे घर पे खाउसवे बनाता हूँ वो वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साथ ही में इसमें थोड़ा सा वो कोकोनट मिल्क पड़ता है, तो कोकोनट मिल्क भी घर पे कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस रेसिपी में। लेट्स डू दिस। तो कोकोनट मिल्क बनाना आपने देखा होगा कितना आसान है, बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई भी मिक्सी आप यूज़ कर सकते हो और इसको अच्छे से निचोड़ना है मलमल का कपड़ा यूज़ करके और आपका कोकोनट मिल्क तैयार हो जाएगा। सिर्फ खाउसे में नहीं, आप कोई करीज बना रहे हो या कोई भी रेसिपी जिसमें कोकोनट मिल्क रिक्वायर्ड है उसमें कोकोनट मिल्क आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा गाढ़ा कोकोनट मिल्क चाहिए तो मैंने जो सेकेंड टाइम रीग्राइंड करके इसको निचोड़ा है वो मत करना, आपका जो फर्स्ट बैच निकलेगा कोकोनट मिल्क का वो थोड़ा थिक होगा। सेकेंड टाइम आप जब करोगे तो कोकोनट मिल्क जो है आपका थोड़ा सा पतला हो जाएगा। इसे एक या दो दिन के लिए आप रखिए फ्रिज के अंदर, हमारे यहाँ अभी थोड़ी गर्मी होती है तो कोकोनट मिल्क जल्दी ख़राब हो जाता है, तो एक दो दिन फ्रिज में रख के आप यूज़ कर सकते हो इसे। अभी नेक्स्ट हमें सूप कैसे बनाते हैं, खाउसे की जो करी है वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। We'll be right back.
तो हमारे खाउसवे का सूप या करी जिसे कहते हैं वो रेडी हो गई है। इसमें आप बनाते समय एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना, कोकोनट मिल्क अगर आप हाई हीट पे डाल देंगे तो कई बार ये कर्डल हो जाता है, फट जाता है, जैसे दही फट जाता है। तो जब भी आप कोकोनट मिल्क ऐड कर रहे हैं तो एकदम धीमी आंच पर कर दीजिए सूप को, थोड़ा सा एक दो मिनट रुक के फिर ऐड कीजिए। और दूसरी बात, जैसे मैंने बेसन थोड़ा मिक्स किया है कोकोनट मिल्क में पहले, वो भी इसे हेल्प करता है कर्डल नहीं होने से, और थोड़ी सी थिकनेस भी ऐड करता है हल्की सी आपके करी को। तो ये चीज़ों का ध्यान दीजिए। मैंने आज थोड़े से वेजिटेबल्स डाले हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं, जैसे ब्रोकली डाल सकते हैं, मशरूम्स डाल सकते हैं, जुकीनी डाल सकते हैं, कई सारे वेजिटेबल्स जैसे आपको आपकी प्रेफरेंस हो वो वाले वेजिटेबल्स आप डाल के बना सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ट्रेडिशनली ये रेसिपी जो है वो चिकन या कोई मीट के साथ बनाई जाती है, तो उस हिसाब से बनाइए। खाली वेजिटेरियन वर्जन जब बना रहे हैं तो वेजिटेबल स्टॉक ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। नेक्स्ट, अभी असेंबली कैसे करते हैं इसकी और खाउसवे सर्व कैसे होता है वो देख लेते हैं। खाउसवे हमने सर्व कर दिया है और बहुत ही डिलिशियस बनता है ये। एकदम सिंपल आसान तरीका बताया मैंने आपको घर पे कैसे बनाना है, 10-15 मिनट में बन जाता है। खाली इसके जो अकम्पनीमेंट्स हैं वो थोड़े रेडी रखने पड़ते हैं, पर ज़रूरी ये नहीं है कि आप हर अकम्पनीमेंट इसमें डालें। आप सिर्फ नूडल्स, थोड़े से क्रश्ड रोस्टेड पीनट्स और थोड़ा सा प्याज और हरा प्याज और धनिया डालकर नींबू निचोड़ कर भी खा सकते हैं, बाकी सारे अकम्पनीमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से जैसे आपको जो जो अकम्पनीमेंट पसंद है या जो अवेलेबल है उससे आप बना सकते हो। सिर्फ करी भी कभी कभी बना के, जो सूप है विदाउट वेजिटेबल्स भी वेजिटेबल स्टॉक के साथ बना के भी कभी कभी अच्छा लगता है, सिर्फ सूप पीने में। थोड़े से फ्राइड नूडल्स या थोड़ी सी पापड़ी तोड़ के डाल दो इसके अंदर, वो भी अच्छा लगता है। तो आप वो ट्राई करके देख सकते हो। एकदम देसी तरीके से बनाया है, एकदम हमारे इंडियन पैलेट को ये वाला सूप पसंद ज़रूर आएगा। तो ज़रूर ट्राई करो और मुझे कमेंट्स बताओ आपको कैसे लगी। Do share this video with your friends and family. Hit the like button if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this Khaosway recipe at your home. Cheers.